ई कहानी के शुरुआत भइलबा निरहुआ रिक्शा वाला और रानी के प्रेम कहानी से। निरहुआ अपन भतीजा गोलू, अपन माई और दोस्त बतासा के संगे हंसी खुशी जिंदगी बितावत रहले। फिर ओकरा जिंदगी में एगो तूफान आये। विधायक सुशील सिंह के बहिन रानी के संगे ओकरा प्यार हो गई। विधायक के ई मंजूर ना रहे, दोनों में जम के लड़ाई भई। आखिर विधायक हार मान गिले। निरहुआ और रानी के ब्याह हो गई। उनका एगो लड़का भई जेकर नाम रखले आदित्य। एक दिन गोलू अपन चाची रानी के संगे बस में उनकर नैहर छोड़े जात रहे। रास्ता में एक्सीडेंट हो गई जेमे गोलू और रानी के मौत हो गई। आज पूरा एक साल हो गई तो हमने के छोड़ के चल गए लो। हमने के तो अपना दिल के कैसो मना लेनी जा, लेकिन लेकिन तुहारी बेटा तोरा के बोलना पोलस बहुत प्यार करेला तोरा से। दादी के तुझिए के आधा, माई के दुलार हुआ बाबू के दुलार हुआ, दादी के तुझिए के आधा। तोहरे से बाटे कुल सपन वानु हो, करी हो सपना साका। तोहरे से बाटे कुल सपन वानु हो, करी हो सपना साका। माई के दुलार के दुलरुआ, दादी के तुझिए के आधार। माई के दुलार हवा, बाबू के दुलरुआ, दादी के तुझिए के आधार। तोहरे से बाटे कुल सपन वान हो, करी हा सपना साकार। तोहरे से बाटे कुल सपन वान हो, करी हा सपना साकार। सुरतिया याद आवे प्यारे दुलार, तोहरे में लौकेला रानी के सुरतिया याद आवे प्यारे दुलार। तोहरे से चहके आंगन वानो सुना बबुआ हमार, तोहरे से चहके आंगन वानो सुना बबुआ हमार। हमार हो
प्यार आ दुलार लेके आई गईले मामा जी तोहार। मम हर से ममता के प्यार आ दुलार लेके आई गईले मामा जी तोहार। तोहर में बसेला परनवानू हो सुनो भगीना हमार। तोहर में बसेला परनवानू हो सुनो भगीना हमार। नहीं पागल रोए के ना हुँ? निरव तो से कुछ बात करे रहे आवा बोले। विधायक जी हमार बहिन के बड़ इच्छा रहे कि हमारी भगना सरकारी स्कूल में ना कोनो बड़ अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन डरन उतो से ही बात ना का पुलिस कहे कि तू बड़ा स्वाभिमानी बड़ा कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। बहुत अच्छा कहने विधायक जी, जे उनका मन के बात बता देनी हम उनकर इच्छा पूरा करो। पढ़ाई अपना बेटा के इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ जी कहिए। बच्चा के एडमिशन करावा के बच्चे का नाम बताइए। My dear student, yesterday we have learnt about Kalinga, okay? Yes, ma'am. Yes, you, stand up. Now, tell me, why did Ashoka attack on Kalinga? Ji. Huh? Where did you study before? Ji. इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? जी सरकारी स्कूल में। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी रिक्शा चलावे ले। रिक्शा चलाने वालों के बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ने लगे हैं। गो बैक एंड सिट। जी आई सेड पीछे जाओ इडियट और बैठो। एक्सक्यूज मी मैम। यस दिस इज नॉट द वे टू बिहेव विद एनी स्टूडेंट। व्हाट डू यू मीन? I mean it, ma'am. Your job is to teach students properly, not to treat them badly. बहुत बदतमीज लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। Don't worry, I will help you, okay? जैसे चांद या सितारा, नदियाँ
जिंदगी में आईला तुम बाहर बन के दिलवा में रही हाथ तुम प्यार बन के हो जिंदगी में आईलो तू बाहर बन के दिलवा में रही हा हमरा प्यार बन के थैंक यू ये तुम्हारे लिए पापा देखा ही कार्ड अरे इतने निमंत्रण कार्ड बा बहुत सुंदर है बेटा के कर ये हमरा दोस्त राधा के है पापा आज रात में उनकर बर्थडे पार्टी है हमरा के ले चला ना हाँ हाँ बेटा जरूर लिया चलब हम वीरेंद्र प्रताप सिंह अरे तो बहुत बड़ा मंत्री हमें हाँ राधा उनकर है बेटी बाड़ी आए आए राघव बाबू का बात है वीरेंद्र बाबू लगा था बेटी के जन्मदिन ना बेटी के ब्याह खातिर सजावट कैले बानी राघव बाबू वीरेंद्र सिंह के हैसियत बेटी से शुरू होके बेटी पे खत्म हो जाला का बात अब देरी का है के भैया केक काटे के रस्म पूरा कर जाए ठीक बा तब बोला ना अपन भाभी से भाभी केक कटवावा हाँ देवर जी राधा बिटिया चले केक काटा ना माई जब तक हमरा दोस्त आदित्य ना आ जाए तब तक हम केक ना काटब ये आदित्य के है तू जाना तरह ओकरा के ना ना हम उनकरा के नहीं खींच जानत पापा वो हमरा स्कूल के बेस्ट फ्रेंड बाड़े पापा हाँ वो हमरा दोस्त आदित्य जन्मदिन मुबारक हो थैंक यू इला तोहार गिफ्ट थैंक्स ये हमार पापा प्रणाम अंकल जुग जुग जिया बिटिया तू हमार बहन होके इ दू कौड़ी के रिक्शा वाला के बेटा से दोस्ती करे लोग शर्म ना आवेला तोके बेटा कैलाश एक गलत बात बा दोस्ती आदमी के औकात ना जज्बात देख के कही जाला चला माफी मांगा हम एकरा से माफी मांगब एकरा लात मार के भगा देख हाथ लगाइबे ना तो ठीक ना होई अबहिन ले त लइका कुल आपस में निपटत रहले अगर तोहनी में से कोनो हमरा बेटा के हाथ लगोलस ना त एक एक जने के इज्जत तोड़ दे लाखन तनिक अपन दिमाग के ठंडा करी काहे कि ई एगो रिक्शा वाला हा त का भइल हा तो अपन मेहमान है ना बुरा मत मानिया काहे कि ऊ कोनो छोट मोट आदमी के बेटा ना हा मंत्री के बेटा खानदानी असर तो होकबे करी आई एक मिनट ए गजेंद्र हाँ भैया ई कालीन कितना के बाहो 20 लाख के हा भैया सुन ले लो 20 लाख के कालीन हा तनी देख के चली हा उका हा कि तू गड्ढा गुड्ढी में रिक्शा चलावे वाला ऐसा चिकन कालीन पर चले के आदत ना है ना फिसल जाइबा और एक बात है पार्टी में आइला तब बिना खाइले ना जाइया एक एक देखा मुंजिनीस के हा कबो जिंदगी में खाए के तो ना मिलल हुई ई केक से तार पेट ना भरी तब तो या और आवा ए सब ढक्कन खोल के दिखावा जी साहब इलाहाबाद के गुलाब जामुन ई कलकत्ता के रसगुल्ला भाई एक बात माने के पड़ी तू गरीब लोगन के साला पार्टी वार्टी में जाला लोग तो ऐसा जमा के खाला जैसे कबो खाए के मिलले ना होके और हाँ पार्टी खत्म होके तक रुकल रहिया जूठा बर्तन भी तो उठावे के बा है मंत्री हमार रिक्शा देख के बड़ा आसानी से तू हमारे औकात के पता लगा लेला लेकिन तोहके का लगा था तोहार औकात दुनिया से छुपल बा आज से 20 साल पहले बनारस के रोड पे ठेला पे केला बेचत रहला तू याद बा गली गली चिल्लात रहला केला ले लो केला और फिर तुहार तरक्की भई मड़ुआ डी के ताराबाई तोहके अपने यहां नौकर रख लेला गाहकन के चाय पानी पियावत रहला दारू सोडा पहुंचावत रहला और गाहकन के बचल जूठन चाटत रहे इनका तरक्की के कहानी है जे खत्म ना भइल ई वही ताराबाई के कोठा पे टॉप के दलाल बन गए तो और दलाली गिरी करत करत आज ही मंत्री बन गए बा तो पैसा के गर्मी दिखावत है गलती से तोरा गुलाब जामुन के खुशबू हमरा नाक में चल गई बा और ये रहल
ओकर कीमत। चल बेटा। आदित्य सर, तू कौड़ी के रिक्शा वाला सबके सामने तुहार बेइज्जती करके चल गई और तू चुपचाप पड़ा। सरेआम कैलस यही से चुप पानी। भैया जी, भैया वो रिक्शा वाला के पूरा हिस्ट्री पता कर ले बानी। वो कोनो मामले रिक्शा वाला ना हा, अपना अपोजिशन पार्टी के पूर्व विधायक और तोहार सबसे बड़ दुश्मन सुशील कुमार के सगा जीजा हा। सुशील कुमार के मर्जी के खिलाफ वो रिक्शा वाला ओकरा बहिन से ब्याह कर ले रहे। एक साल पहले एगो बस एक्सीडेंट में ओकरा बहिन के मौत हो गई। वो रिक्शा वाला के परिवार में और के बा, ओकर माई और एगो बेटा। माई माई ये खाला बता सा और हम के दास। अरे खुश रह खुश रह खुश रह। अरे कितना दिन बाद तोरा के देखा थी रे। माई आज हम बहुत खुश बानी। हाँ? ते कहत रहली ना हम कोनो काम के नहीं की, ना काम के ना काज के, डेढ़ मन अनाज के, तो लड़का अब कोनो लायक हो गए हो समझ ले। अच्छा? हाँ, आज हमारो के वो लड़की मिल गई भैया। आई लव यू तक मामला पहुंच गई, मतलब शादी ब्याह भी सब फिक्स हो गई। अरे तो पंडितों से पूछ ले कि अपने मन में ब्याह तक एक बैठ गई। पंडित फंडित से बाद में पूछल जाए, पहले हमारे मोहब्बत का दास्तान सुन। दरअसल लड़की वो हर से आवत रहा, हम हर से जा। तोर मोहब्बत का दास्तान ना हम मड़वा में सुनो, ठीक है? अभी जो पंडित जी के बुला के लिया, दिन तारीख धय ली। अरे तोरे ब्याह में तो हम खुद है नाचब गाइब रे। माई आशीर्वाद दे, जा तानी पंडित जी का हम कुल दास्तान सुना दे। अच्छा जो बुला के लिया। फटाफट मंगनी, फटाफट लिया और फटाफट दो चार दर्जन बच्चा निकाल देगा। अपनोका अगर मर्द के बच्चा रहते तो हमरा माई के ना उठे थे, सीधा हमरा से भिड़ल रहते। चुप सरवा, तो के ओहे दिन पोटी पोटी काट देले रहती जब तू हमार बेइज्जती कइले। उ हमार घर रहे और हमार मेहमान रहे, यही से बच गईले। मार एकरा के मार। अपन चीजा निरहुआ के जान बचावल चाहत हड़े तो राम मंदिर पे आजो। हेलो क्या बोलता? हेलो ड्राइवर, गाड़ी जल्दी घुमा, राम मंदिर की तरफ। अरे तो पापा के रिक्शा। पापा पापा बेटा,
अरे इनका के और मर ले भाई, हमारा विश्वास नहीं किया, हमने ड्राइवर से पूछ लिया। का रे चल सही से बताओ का भाइल हो? हम देखनी है साहब, हमारा आंख के सामने ही अपना जीजा का मर्डर कर ले हैं, इनका पुरानी दुश्मनी रहे साहब। अरे नमा करा फट ले जा थाना में। दादी तोरा पीछे गुंडा कहाँ लागल रहले हैं? हमरा के कुछ नहीं के पता, तू चुपचाप बनारस चला। ना दादी, हम अपना पापा के छोड़ के कहीं ना जाई। लेकिन बेटा उधर हमने के छोड़ के चल गई ले दादी। हाँ बेटा, कुछ गुंडा लोग तेरे पापा के जान से मार देले। अब तोरा पीछे पड़ल बड़े बेटा, हम तोरा के कुछ ना होके दे। दादी ओके रहला तो हमरा के बतावा, ओइने के हम ना छोड़ा। ना बेटा, तोरा के हम आके चल बनारस, चल चल बनारस चल। रुक आओ बेटा, आज चक्रधारी भैया, बुआ जी, चक्रधारी भैया, बाबू जी। अरे दीदी तू अचानक? हाँ बताओ थे, तू इन्हें बैठा। हाँ भैया दरवा। कहे उदास बड़े भाई? हमरा पापा के बहुत याद आवता। कहाँ बड़े तोहर बाबूजी? हमके छोड़ के चल गई ले। ये तो बहुत बुरा भइल है दीदी, तू चिंता मत कर, तोहरा रहले का सब इंतजाम हो जाई। ताजे रात हिंद दफा 302 के तहत ये अदालत मुजरिम सुशील सिंह को नीरव यादव की हत्या के जुर्म में 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। का हाल बा विधायक, जेल में कोनो तकलीफ हुई तो बतैया? वैसे चिंता के कोनो बात ना, बहुत जल्द तहरा भगीना के खोज के ओकर बोटी बोटी कई के जेल में तहरा रोटी खाए खातिर भेज दे। हमारा साथे जौन कैले तौन कैले, हमारे भगीना के साथ कुछ कैले ना, हमसे बुरा क्यों ना होई? 14 साल जेल में सरला के बाद तोहार शरीर के कोनो हड्डी में इतना ताकत ना बची कि हमनी के कुछ उखाड़ सकबे। रिहाई के दिन याद रखिए, हम जेल से और तू दुनिया से रिहा होकबे। ला खाला बेटा। तू खाना खैलू है दादी? तू खाला, हम बाद में खा लब। अरे बेटा कहाँ जाता रे, खाना तक खा ले। ना दादी, जब तक हम दोनों खातिर दो वक्त के रोटी के जुगाड़ ना कर ले तब तक हम खाना ना खाई। रुक 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 रुक, ऐ निरहुआ। अरे तू तो लड़का बड़ा, हम दो आदमी के रिक्शा पर बैठा के लेके जाइबा, इतना पावर तोरा में नहीं खे, जा तू। अरे चचा, जब ना आदमी के नाम लेके तू हमरा के बुलावले हा, वो नाम में इतना पावर बा, तू बैठ के तो देखा, ये रिक्शा लेखा ना हवाई जहाज लेखा उड़ी। अच्छा चला भैया बैठा, चला चला चला। दादी इला सब्जी और राशन, अब तोरा के भूखा ना रह के पड़ी दादी। बेटा तू हमार पोता ना, तू तो हमार बाप बन गए ले रे। निरहुआ रिक्शा वाला,
सामने आगे ले मर जाते था। हम सामने ना आती तो कनी के मर जाते। चल निकल। रोड के हो राजा हो वे दिल के अमीर हो अपना पसीना से लिखे तकदीर हो रोड के हो राजा हो वे दिल के अमीर हो अपना पसीना से लिखे तकदीर हो केहू के आगे न हाथ फैलावे ला मेहनत के रोटी ही खाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला भैया खाली होवे तोरा बाप के आँख का तरे राता रे हो रन कुदाब के लागता की रोड खाली होवे तोरा बाप के चढ़ल जमन गर्मी पा अभी ये उतार दी सारा रंग तारी एक झटके में झार दी चढ़ल जवन गर्मी बा अभी ये उतार दी सारा रंग तारी एक झटके में झार दी काहे उकसावा तारे शेर के जगावा तारे मारी तमुआ दी रे साला निरहुआ 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 रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला पर भी आवे नहीं निनिया मेहनत मजूरी करेला जुनून से आधा पेट खाला तब रहे सुकून से मेहनत मजूरी करेला जुनून से आधा पेट खाला तब रहे सुकून से रिक्शा चला के गमछा बिछा के रोडे पे जाके सुत जाला निरहुआ 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 रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ टक टक निरहुआ का निरहुआ का हाल बा बेटा ठीक बा चाचा काटिक दारी बढ़िया बा ना का बढ़िया बा आज तो हमार बाबूजी हमरा के बहुते मार मरी हैं
काहे काहे सुबह से वो सवारियों ना मिलल आना बोहनी भइल चाचा आए हाय इ लड़की बिया की पावर हाउस रे हमरा रिक्शा में बैठ जाई तो हमरो बैटरी चार्ज हो जाए बाबू ए चाचा तोहार बैटरिया तो परमानेंट डाउन बा और ये पावर हाउस से का होई पावर हाउस के पूरा टावर लग जाए ना तबो तोहार बैटरी चार्ज ना हो ए रिक्शा वाला तेलिया बाग आनंद सिनेमा चलबा हम तो ना जाए ए पर बैठ जाए ले जाए हाँ आई आई बैठी बैठी वाह 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 I love you. का बोला हा? तोहरा के ना अपना दोस्त के बोलनी है हमर बोहनी करा देलस निरहुआ भैया जिंदाबाद निरहुआ भैया जिंदाबाद निरहुआ भैया जिंदाबाद मान गई नी निरहुआ कि दूसरा के खातिर अपन सवारी दे दी अरे चचा हमारा भैया निरहुआ जैसा दिलदार आदमी कत्तो ना मिली यही खातिर तो अपनी यूनियन के इनका हमने नेता बना ले बने निरहुआ भैया जिंदाबाद समर के बैठी मैडम मोटहार ब्रेकर बा रुको 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 तनी सुनो ई तोहर टिकी अपने आप काहे खड़ा हो रहल बा अपने आप ना खड़ा होता मैडम जब कोनो लड़की हमरा के छुएली त हमार टिकी खड़ा हो जाला और कोनो लड़का छुएला तब कुछ ना होला लड़की छुएली तबे खड़ा होला फिर छू के देखी छुआ छुआ लदा दी आज के कमाई अरे उठ उठ गोड़ दुखाता थकल बड़े चल हाथ मुँह धो खाना लगाता नहीं बाबू सूजी बजा दादी काल हम रिक्शा लेके ना जाए काहे अरे काल हम के मुगल सरा जाए के बा तू का करे जे बाऊ हां दंगल होता है को बहुत बड़ा वो मंत्री है ना वीरेंद्र प्रताप हर साल करवावे ना उहे करवावता रे लिया वा दादी दादी हम कल जाए ना 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 जी बा तू काहे हम कुछ नहीं की जानत तू कल मुगल सराय ना जेबा त ना जेबा बस खा चुपचाप अच्छा ताई बेना मत डोलावा हमके ठीक ना लगेला अरे दिन भर धूर माटी फाकत आरा बेनवा डोला दे तो तनी चैन से खा त लेबा का हो जाए हम जवान आदमी है तू जा आराम कर अच्छा जवान हो गेल बड़ा त दुल्हन लेके आवा उ बेना डोलाई तब त निक लागी ए दादी भगवान चाहिए ना तोरा आशीर्वाद से दुलही तो हम वही लड़की के बनाई जवन बचपन से हमारा मन में बसल भी राधा नौकर के साथ ऐसा बर्ताव कर जाला हाँ मम्मी नौकर से ऐसा बर्ताव कर जाला एकरा वजह से हम भैया गिर गई रहती जान बुझ के तो ना कहले हुई अरे गलती तो केहू से भी हो जाला कि तनख्वाह कौन चीज के लेला काम कैला के कि गलती का इलाके अगली बार गलती से भी ऐसा गलती ना होके के चाहिए जी मैम साहब बाय माँ कहाँ जाता रू बनारस अपना हॉस्टल बहुत बिगड़ गई बाई लड़की हमारे तो कुछ सुनबे ही ना करे ले अरे दीदी जब वो जेड जी के कुछ ना सुने ली तो हार का सुनी है देखो लोगन रिक्शा वाला के कैसे हीरो बन के खड़ा बा रिक्शा चलावे आदमी लेकिन तब वो स्टाइल में रह के चाहिए तनी निकाला था इनका हीरोगिरी अरे का भाई ये बंद हो गई लो चला ना राधा राधा जल्दी चला चल उड़ाओ चलता रे हाँ बहुत गर्मी हो गई बा उधर ना ये कहानी है ये कीचड़ उड़ावे कल से हाँ तो चिल्लात काहे बाड़े कपड़े गंदा भइल बा ना
इले साबुन खरीद के धो ली। अच्छा कपड़ा गंदा कर भी तू? और धोई भाम अपन पैसा अपने पास रख, चल जो साबुन लेके आओ और धो हमनी के कपड़ा। हम और तोर कपड़ा धो अब, चल हट। अच्छा खोल ले टंकी। साबुन लिया के हमनी के कपड़ा धोई भी कि जलाई घर। सुना राधा अब तो लगातार कपड़ा धोला ही में जान बाची। मिला पैसा फटाफट साबुन लेके आओ। ला ले आई नी साबुन, अब का करी? करबू का, चलो लोग काम पे लग जा। ओ धर्मराज चाचा। हाँ बेटा। तनी पानी वाला बेदा की व्यवस्था करा। आजा बेटा, छेदा मोड़ पे सब व्यवस्था रेडी बा। अरे देखत का बड़ा सारे उतारा कपड़ा। इल्ला बीठा।
बड़ सजा मिली तोरा के कि तोर सारा आकर ढीला हो जाए। तू जानत नहीं कि हम केकर बेटी हैं। कोनो बड़े बाप के बेटी होबू तू? वैसे हमारो कुंडली में लिखल बा एक दिन बहुत बड़ आदमी के दामाद बनब हम। सपना देखला से इंसान के औकात बढ़ना हो जाला। अच्छा तब साबुन बचल बा कहीं चड्डी धोवा देनी ना तो तोरे औकात के पता चल जाई। सुनो बड़ा बाप बाप करतिया के है कर बाप? मंत्री बाड़े छोट मोट ना सड़क और परिवहन मंत्री। अच्छा आज के ताजा खबर मंत्री जी डामर और गिट्टी खा ले। आज के ताजा खबर मंत्री जी डामर और गिट्टी खा ले। आज के ताजा खबर जी। नमस्कार सर, हम मंत्री जी के पीए बानी। मंत्री जी आप ही के इंतजार करत बड़े सर। पापा पापा सर यह हमें गणेश चौधरी जी क्रांतिवीर दैनिक अखबार के मालिक। अरे चौधरी जी आई आई विराजी ले आओ ले आओ चौधरी जी के चाय दे कारे बिस्किट विस्किट नहीं खेल। हाँ सर ले आओ चौधरी साहब चाय ली। ये अखबार तोहरे बा जी बड़ा चटपटा खबर छापेला ये सब झूठ खबर तहरा के देलस? झूठ ना मंत्री जी हमरा पास रुआ घोटाला के पक्का सबूत बा। हा? का सबूत का सबूत रे ज्यादा बोलबे तो तोर अबूत सबूत तोरा पिछवाड़े में घुसा दे। सुना हमरा से तमीज से बात करो। अरे तू हमरा के तमीज सिखाई बे चल चारक चारक अरे चारक उठ उठ ए कुर्सी उठाओ। अरे का लिखले रहले रे हां कि मंत्री जी टामर और गिट्टी खा ले हां बड़का अखबार के मालिक बटे तो कुछ भी लिखबे। देखी ई मीडिया के स्वतंत्रता के खिलाफ हमला हो। अरे हम तोरा के बताई कि हमला का होला। अब देख चौधरी जी के कोनो दामाद है का? जी बाबूजी एकर एगो दामाद बा जेकरा के एगो स्टील फैक्ट्री बा। सुने में आई है एकर दामाद के स्टील फैक्ट्री में गड़बड़ी के बहुत शिकायत बा। जी बाबूजी शिकायत के तो पूरा फाइल बनावले बानी बाबूजी। हां पहला शिकायत हर महीना लाखों रुपया के बिजली चोरी हो रहल बा। हां दूसरा शिकायत पिछला महीना सुरक्षा के इंतजाम ना होखला के कारण 3 मजदूर के फैक्ट्री में मौत हो गई रहे। आ बाबूजी अभी तक ओनी के मुआवजा तक नहीं के दिले। ई गड़बड़ घोटाला के जदी कबो जांच हो जाए तो एकरा दामाद के फैक्ट्री तो बंद हो जाए। जी बाबूजी लगभग 5,000 करोड़ के नुकसान हुई। 5,000 का मंत्री जी हमरा के माफ कर दी। मंत्री जी हमरा के माफ कर दी। हम आज से रुआ खिलाफ कोनो खबर ना छापे। हमरा दामाद के फैक्ट्री बचा ली मंत्री जी। चुप हो जाए चुप हो जाए घबराई घबराई मत हम देख ले। ए ए नरेश जी पापा जी चौधरी जी के बाहर तक छोड़। आई आई चौधरी जी आई आई। तो चौधरी जी कल का अखबार में का छपी? खंडन छपी कि घोटाला के जोन भी खबर छपर है सब झूठ रहे। हाँ बिटिया रानी बोला। पापा आज एगो दू कौड़ी के आदमी हमरा से अपन कपड़ा धुलव ले बा। ओकर नाम कहा? ओकर नाम तो नहीं खे मालूम बस हम इतना जानी ले कि वो एगो रिक्शा वाला हो। ठीक बा कैलाश जी कहीं तू अब ये बनारस जी बा। का बात है बाबूजी? बनारस में को रिक्शा वाला तोरा बहिन के बहुत इज्जत कर लिया। एक रिक्शा वाले की इतना हिम्मत ओकर तो अच्छा से इलाज करे के पड़ी। आज के जमाना इंटरनेट के बाद इस जमाना में हर एक लड़की के दो दो तीन तीन बॉयफ्रेंड हो खेला बड़ा शर्म के बात बलैला। तो एक को बॉयफ्रेंड नहीं खे। अरे हम वैसे लड़की नहीं खी जे हर झंडू बाप के पीछे पड़ जाए। हमार बॉयफ्रेंड तो दुनिया से निराला होगी
ओकरा में ऐसे खूबी है जे दुनिया के कौनो लड़का में ना है। घंटी ना मार सकत रह लका पूरा रिक्शा मार देनी। आपका घंटी अलग से मारी बदतमीज। अरे माई बस करा अब कितना मरबू। ई थप्पड़ मरला पे तहार टिक्की काहे खड़ा हो जाता। इहे त खास बात बा हमार बॉडी में जब कोनो लड़की हमरा के छुएली त हमार टिक्की खड़ा हो जाला। हम तो ऐसे ने लड़का के इंतजार करत रहनी जे दुनिया में सबसे निराला होखे। हमरा के अपन गर्लफ्रेंड बना ला ना प्लीज। तू पागल हो का? हां हम पागल है तेरा प्यार में। हमरा के अपन गर्लफ्रेंड बना ला ना प्लीज। आई हाय का टिक्की है। बाप रे बाप बड़ा खतरनाक लड़की भी है। अरे रुका रुका अपन नाम तो बता। का देखा था इंस्पेक्टर साहब? कपड़ा बड़ा चमका था कहाँ धोवले है रे। बड़ी सुंदर रहली धोवे वाली आजो बहका था। काले टाइम पे आ जाती इंस्पेक्टर साहब तो आपके ही वर्दी भी धोआ जाए। कब से तोर इंतजार कर रहा था इडियट कहाँ भाड़े तू गाड़ी लेके आ जल्दी। अरे रे 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 तहनी लोगन के तई पूरा कपड़ा कीचड़ में सना गई। देख तू अपन औकात से ढेर आगे बढ़ रहल बाड़े। अरे तई में इतना गुस्सा करे के का जरूरत बा? कल तोनी लोग हमरा ऊपर कीचड़ उछलले रहलू त हमनी के अपन कपड़ा उतार के देनी जा तू लोग धो देलू। अब आज हमरा से कीचड़ तोनी लोग पे उछलल बा। एक काम करा तू लोग कपड़ा उतारा हम धो देता नी। ढेर स्मार्ट बने के कोशिश मत कर। अरे स्मार्ट तो हम पैदाइशी हैं। अच्छा एगो बात बताओ लोग कपड़ा तू लोग खुद उतरबू कि वो उतारे के मेहनत हमरे करे के पड़ी। अरे ये कैसन तमाशा हो रहल बा भैया। यू है रिक्शा वाला बा जे काल हमरा से अपन कपड़ा धोवलस और आज देखी हमरा ऊपर कीचड़ उछल ले बा। अरे तोर तो तोर इतना हिम्मत कि एगो पुलिस वाला के हाथ पकड़ा तारे? हाथ ना जरूरत पड़ी तो कालर पकड़ ले। पहले गलती बतावा ओकरा बाद हाथ उठावा। हमरा बहिन से तू कपड़ा कहे धोवले हा? तोहर बहिन कपड़ा गंदा कैली यही से तोरा बहिन से कपड़ा धोनी। फिर आज गंदा काहे कैले हा? अरे तो का हो गई अपना बहिन के कह कपड़ा उतार के दे हम गंदा कैले बानी हम धो देता नहीं रे। अरे तू कौड़ी के रिक्शा वाले आज तोके ऐसन धो कि अपना कोनो सामान धोए के लायक ना रहबे। ढेर गरमा मत ना तो तुहार धोलाई बिना साबुन के हो जाए। चाचा जी ई सब शहर के रिक्शा वाला बाड़न जॉन हमनी के रिक्शा वाला के गिरफ्तार कैले बानी
वही सब रिक्शा वालन के नेता बा। का नाम है रे ओकर? नाम तो आदित्य है, लेकिन लोग एकरा के निरहुआ कह के बुलावेला। ओकर तो पूरा नेतागिरी घुसेड़ दे। ऐसा गलती मत करी, ये कोनो मामूली रिक्शा वाला ना है। ओकरा एक इशारा पे सब रिक्शा वाला अपन जान दे दी। ये के बारे चाचा जी रहुआ बनारस के एसपी बानी। यस, तू बहुत बड़ी गलती कैले बड़ा। तू थाना इंचार्ज हो ऐजा के और रिक्शा वाला पे कार्रवाई कैले बड़ा। तू बनारस जाके ये रिक्शा वाला के अब ही छोड़ दा, वरना तोहरा साथ साथ हमार नौकरी भी चल जाए। ओकर चिंता मत करी, वो सब हम संभाल ले। पहले ही सोचा कि रिक्शा वाला के अब का कही जाए। करे के का बा, दो चार दिन थाना में बंद कही के तगड़ा धुलाई हुई। हम कहता नहीं, बात के आगे मत बढ़ाई। गलती राउर भतीजी के भी बा, बात अगर आगे बढ़ जाई तो रिक्शा वाला के बदनामी ना हुई, राउर बदनामी हुई। सर, एकरा के ऐसे जाए दी ही? हम कहता नहीं, चमकी धमकी दे के छोड़ दो ओकरा के। अभी तो हम तोहरा के छोड़ देता नहीं, अगर मंत्री जी के बेटी की तरह पांव उठा के भी देख ला तो सही ना हुई। सही गलत के परवाह क्यों और करी? हम तो वह करब जो हमार दिल करी। ए रिक्शा वाला सुन, तोर सकल कुछ जानल पहचान लगता के हवे रे तू? ठीक से पहचान ल, दोबारा अजुरे यह लोग मत, ना तो खुद के सकल पहचाने लायक ना रहबा। अरे बापरे, इस ससुरी कहाँ से आ गई? बहुत मुश्किल से तुहार पता लगल बा, तरह प्यार के जादू हमरा दिल पे चल गेल बा। देखा, हमार रास्ता छोड़ दा। ना छोड़ब। छोड़ दा। आज तो हम तरह के अपना दिल में घुसा के रहब। छोड़ दा। ना छोड़ब। छोड़ दा। ना छोड़ब। छोड़ दा। ना छोड़ब। छोड़ दा। छोड़ दा। ना छोड़ब। छोड़ दा।
भैया एक स्ट्रॉबेरी कोन देना, एक लॉली आइसक्रीम दे भैया। मैडम कमाल बा, रिक्शा वाला लोग भी आइसक्रीम खाला। अरे तू अच्छा तई तोहनी अमीर लोग के का लागेला कि गरीब आदमी घास फूस खाला, हमनी के जानवर रह जा। अरे हमनी के भी वह खानी जा जो तोहनी के खाला सा, और हमनी के भी वह हो गया नहीं जा जो तोहनी के आ गया सा। शिट ये लो भैया। हां शिट के ही बात करता नहीं। अच्छा एगो बात बतावा, तोहनी लोग मुरई खाला लो? अरे वह जोन उज्जर उज्जर लंबा लंबा मोट मोट होला उगनवाना निकला गे मुरैया जौनपुर के? अरे हाँ या ना बस बतावा। खाइल जाला तो मुरई खा के जैसन तोहनी लोग पा देला हमनी के भी वैसने पा देनी जा। वेरी फनी। हाँ अरे वो बात नहीं खे, मतलब तू रिक्शा वालन के खाए पिए के बात कैलू यही से बता देनी है। वैसे खाए के तो हमनी के भी दाल रोटी ही खानी जा, लेकिन सुन ले वानी कि तुहार बाप डामर आ गिट्टी खा ले, सही बात है का? एगो बात बतावा, तोहनी रिक्शा वाला इतना घटिया बात करेला सन, तोहनी जैसन लोग से कौनो लड़की ब्याह भी करे नी? करे नी ना, अरे बाप रे। और जवन लड़की एक बार रिक्शा वाला से ब्याह कर लेलस साला जीवन भर छोड़ के ना जा सकेले। तोहनी लोग के तो आज ब्याह कल छुट्टी छुट्टा। अच्छा एगो बात बतावा, आज ले सुन ले बाड़ू कौनो रिक्शा वाला के छुट्टी छुट्टा होई लोके जानता रुका है? कहे कि रिक्शा वालन के ना रिक्शा चला चला के ऊपर के बॉडी तो मजबूत होबे करेला, नीचे भी पूरा मजबूत हो जाला। हम मतलब जांग, अरे मतलब पैडिल मार मार के जांग एकदम मजबूत हो जाला। और जौने मर्द के जांग मजबूत होके मजा लगी कौनो लड़की होके छोड़ के चल जाए। हाँ बोला। मिर्जापुर में हनी सिंह के नाइट शो बा चलबा का? तो व्यवस्था कर लो लोग कल चले के। का हा? के बाड़ा तू लोग? हमने के गाड़ी खराब हो गेल बा, मिर्जापुर तक लिफ्ट देबू का? लौकत नहीं के गाड़ी में सब लड़की बैठल बानी, दूर हटा। हनी सिंह के प्रोग्राम देखे जाता नहीं, ले चलबू तो का हो जाई? हमनी उहे जाता नहीं, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं के। कहाँ बैठबे तू लोग? हमनी के गोद में? गोद में बैठा लेबू तो रास्ता मजे में कट जाए। मंत्री जी की बेटी ससुर धक्का देती है। मौका मिल गया ना तो लड़की के पूरा अकड़ निकाल दे। अरे का भाई? फिल्टर चौक हो गए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। अब गाड़ी आगे चली कि ना? ना हो सकेला। गॉड ए लागत है ये गेट कोनो गेस्ट हाउस के बाद, चलो देखल जाओ। तोहरा के ताज ऐसन मजा चखाई कि जीवन भर याद रख। हमरा तो बहुत ठंडा लगा था। अब भैया का चाही? कमरा चाही रात बितावे के बाद। व्यवस्था हो जाई। रामू काका रामू काका इनकरा के कमरा दिखा दे ही। किराया दे दी एडवांस? फिकर मत करी, किराया पूरा वसूल ले। चाचा? हाँ बिटिया। यहाँ खाए पिए के कुछ मिली का?
मेहरबानी जा, छोड़ दो हमनी के, प्लीज छोड़ देवे के। पहले जैसे कहा दानी जा वैसे करा। बोला का करे के बा? अपन अपन कपड़ा उतारा और लहंगा चोली पहन के नीचे आवा। यही है नर्तकिया? जी महाराज। सामने वाली तो बड़ी टंच दिख रही है। जी महाराज। नृत्य पेश किया जाए। नाचो, नाचो। कौन भूत उतने के? अरे गेस्ट हाउस में भूत बाटे, यकीन नहीं के तो मैनेजर साहब से पूछ लो। अरे मैनेजर साहब यहाँ आवा। ये लोग कहा तारी कि गेस्ट हाउस में भूत बा, बतावे लोग। अरे ना ना, ये गेस्ट हाउस में कौनो भूत नहीं के। सुना, हम ता पिछले 400 साल से यहाँ नौकरी करता नहीं, कबहु भूत ना देखनी। देखा मैनेजर साहब, यहाँ पिछला 400 साल से नौकरी। 400 छूट गई। ओ गॉड, हमनी के बैग भी वही से छूट गई। अरे बैग बैग गई भाड़ में, हमार पर्स मिलल बहुत जरूरी बा। बहुत पैसा बाका? अरे पैसा ना, ओ मेरे को ऐसा चीज बा जे हमार जिंदगी से भी ज्यादा कीमती बा। हम जाता नहीं, का पागलपन करता रहूं वहां बहुत बा। चाहे जे होके हम जाता नहीं। रुका, तू मत जा, हम तो हर पर्स लेके आवतन। अरे नीरू भैया, भूतन से पंगा लेहल ठीक ना होखी। भूत से पंगा लेल ठीक नहीं के, लेकिन एगो लड़की के भेजल भी ठीक नहीं के। भैया रुका रुका भैया, अब जो होई सो होई, अमनियों का चला तानी सा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चलसो नहीं के याद आवत। अरे मैं रदवा, हमके तो याद रहे, अब भैया भूल गई थी। Oh.
जान से ज्यादा प्यारा बा हमरा दोस्त के तस्वीर बा दोस्त या बॉयफ्रेंड अब उहे समझ ले लोग देखिए तनी ए हमरा के लगता तोहरा रिक्शा वाला से प्यार हो गेल बा के ओ रिक्शा वाला से ना हम त इनकरा से प्यार करेनी ई लइका से जे बचपन में हमरा से बिछड़ गई और आज तक ना मिलल लेकिन जानतारू हमार दिल कहेला कि एक ना एक दिन ये हमरा के जरूर मिली है वो दिन पता चली निरहु भैया लगता तोहरा के प्यार हो गेल बा केकरा से ई मंत्रिया के बेटी से अरे ना रे प्यार हम करी नहीं लेकिन एकरा से ना एकरा से ई लईकी से हाँ ई हमरा से बचपन में बिछड़ गई और आज तक ना मिला देखा था नहीं और कितना इंतजार करावेले कहिया छमके हमरे अंगना पायल के झनकार मोरी सजनिया हो ए मोरी रनिया हो कबले करेबो इंतजार मोरी सजनिया हो कबले करेबो इंतजार खाली ख्याल से ही खिल जाला मनवा होई काए जान जहिया आइबू समनवा बस में हमरा आवत नहीं खे बस में हमरा आवत नहीं खे धड़कन के रफ्तार मोरे बलमुआ हो
कब ले करेबू इंतजार। लाखों में एक तोहके गढ़े ले विधाता, जन्मों जन्म के बाटे तोहरा से नाता। बनके प्रीत पवन पुरवैया बनके आ जाए सरकार, मोरे सजनिया हो ए मोरी रनिया हो, कब ले करेबू इंतजार। अरे राधा, कितना परेशान मानी जा हमनी तोरा खातिर। अरे भैया आप कहाँ बताइए। आप अपन कहानी रास्ता में बताइए, चला गाड़ी में बैठा लोग। अरे सामान तो ले ली भैया। तोहार सामान आ जाई। ए सामान उठावा लोग, चला गाड़ी में बैठा, चुपचाप चला। ये देखा, छोड़ के चल गई सा। हाई देखा, महारानी फिर अपन पर्स छोड़ के चल गई। निरहु भैया, एकरा खोल के देखा, एमे काबा जे ओकरा के जान से भी ज्यादा प्यारा बा। अरे ई तो वह फोटो है तुम्हार बचपन वाला। हाँ ठीक धारी, ये हमारे फोटो। एकर मतलब ये हमार राधाई का। कितना संभार के रख ले बड़ी तुम्हार फोटो, सोचा तोहरा से कितना प्यार करेली। देखा बाबूजी आ गए ले, उठा पाए लगे बाबूजी। बाबूजी ई है हवे टिकधारी, इनकरा से हम ब्याह कइल चाहता नहीं। का काम करे ला बरखुदार। जी जी रिक्शा चलाई ले। का रिक्शा चलावला तुहार दिमाग खराब बा, ई रिक्शा वाला से ब्याह करबू। बाबूजी ई भले रिक्शा चलावेलन, बाकी ई कोनो मामूली इंसान नहीं खन। अच्छा का खास बात बा इनका में। इनकरा में ओ खास बात बा कि इनका के छूते ही खड़ा हो जाला। का बकवास करता रू। बकवास ना बाबूजी, कहीं तो वो कमाल रवा सामने दिखा दी। अब 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 हमरा सामने। हाँ रवा सामने इला। एक बार और। अब बताएं बाबूजी, दुनिया के कौनो इंसान में बा ऐसन खूबी। अरे बेटी ये खूबी ना हो, बीमारी है बीमारी। ऐसन बीमार आदमी के साथ है हम तुहार ब्याह हरगिज ना कर सकीला, जेकर टिकी छोटे खड़ा हो जाए। हम हाथ जोड़ता नहीं बाबूजी, ऐसन मत करी, हम इनकरा बिना ना रह पाए। ठीक बा बेटी ठीक बा, पहले बोले एकरा से कि अपन इलाज करवावे, जब ये ठीक हो जाए तब हम सोचे। सुनी जी, निरहुआ के घर ये बा का? हाँ ये बा। ओ थैंक गॉड, ये घर खोजत खोजत हम थक गई नी। वैसे निरहुआ राउर आदित्य हमार पोता हुए, बाकी घर में नहीं खे। आदित्य, उनका नाम आदित्य है? हाँ सब उनकरा के प्यार से निरहु कहला। का काम है बेटी? बिटिया जी कैसे एलू? ओ आंटी, काले हम अपन पर्स भुला गए रहनी, वहाँ निरहु भी रहले, शायद वो ले आयल हुई है। हाँ एगो पर्स ओकरा कमरा में हम देखा था नी। रुका हम लेके आओ तानी। हाँ रुका। हाँ आंटी ये बा हमार पर्स। ला। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। अरे सुना बिटिया, का नाम है तुहार? जी राधा। अच्छा कहाँ रहलू? जी यहाँ तो हम हॉस्टल में रहिला। हाँ। वैसे हमार घर मुगल सराय बा। मुगल सराय? हाँ। का करेल तुहार बाबूजी? जी बाबूजी मंत्री हवे। नाम कहा तेरे बाबूजी के? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप।
आदित्य के तू कब से जानता रहो? ये कुछ 3-4 महीना से। लेकिन रवा ये सब कहे पूछता नहीं। देखा बिटिया, यारी दोस्ती तो बराबर वालन में होले, हैं? तू ठहर लू बड़ बाप का बिटिया, हमार बेटा मामूली रिक्शा वाला, ई मेल जोल ठीक नहीं है बेटा। एक मिनट, रवा ये तो नहीं की समझत कि हमरा और पोता से प्यार करी नहीं? जानता नहीं हम यहाँ कहे आयल बानी? कहे? ई देखी, ई हमार बचपन के साथी हवे। लेकिन ही बचपन में ही हमसे बिछड़ गई ले, पर हम आज भी इनकरा से प्यार करेंगे। रौवा चिंता मत करी, राउर पोता से हमार कौनो संबंध नहीं के, और ना कबो होई। सुना सुना सुना, खूनी दंगल, खूनी दंगल। अरे चाचा, इस दंगलवा कहिया बा हो? कल ही तबा। अच्छा, एको बात बताई चाचा। हाँ। मंत्रिया का बेटवा उस साला नरेश प्रतापवा, अरे बड़ा खुखार बाहो, जे उसे लड़ेला वो अपना मौत के बुलावेला पक्का। तब तो काल जंगल देखे जाए के पड़ी, तू ना चल बका। अरे हमार दिल तो बहुत करेला, लेकिन दादी माने तब ना, अब मुगल सराय के नाम सुनते ही पता नो के का हो जाला। लेकिन ए बार तुम दादी के मना के रहब। अरे बेटा, आज बड़ा जल्दी आ गेला। हाँ, हमके कहीं जाए के बा। कहाँ जाए के बा? पहले हमार कसम खा, मना ना करबू। कहाँ जाए के बा? मुगल सराय दंगल देखे। हमार दोस्त हर साल जाले कुल, और हम एको बार ना जा पाइला। ए बार हम जरूर जाई। जाए देना। ठीक बा, जा। गुस्सा ना ना करबू। जा। बाहरे दादी। बाह। दंगल के विजेता के 10 लाख रुपया मिली, पूरा 10 लाख। दिल थाम के बैठी रहुआ लोग, मंत्री जी बस आवे वाला बाड़ान, और उनकरा होते ही ये खूनी दंगल शुरू हो जाई। अरे शांत हो जाई, और ये देखी मंत्री जी भी आ गई ना। दंगल के पहला मुकाबला देखे खातिर रउआ लोग तैयार हो जाई। मुकाबला खातिर तैयार बने टंडवा गाजीपुर के पहलवान पलटन यादव पोथा वाले। पलटन यादव से मुकाबला करी है माननीय मंत्री जी के सुपुत्र, पिछला दंगल के विजेता नरेश प्रताप सिंह। Yeah.
हमरा लागा था कि अब कौनो पहलवान में इतना दम नहीं थे जे नरेश प्रताप के मुकाबला कर सके। लिहाजन आज के दंगल के विजेता नरेश प्रताप। हमरा बेटा नरेश प्रताप के विजेता घोषित कैला से पहले हम रउआ लोगन के एगो मौका और देहल चाहता नहीं। रउआ लोगन में बाकी हुआ अपन माई के दूध पिए ले जे हमार बेटा नरेश प्रताप के साथ मुकाबला कर सके। अरे केहू बा? हाँ, हमार पोता बा। हमार पोता आदित्य कुमार तोरा बेटा के साथ मुकाबला करी। जो बेटा दिखा दे कि तोरा मतारी के दूध में कितनी ताकत बा। बखत अला पर बता दे।
चल बेटा। खींचा खींचा। ना रे भाई हो गए, चलो हटा, परेशान मत करा, चलो हटा। अरे निरहू भैया, पार्टी कब दे ताड़ा? अरे जब कहा लोग तब हो जाए पार्टी। पार्टी में कंजूसी ना चाहिए भैया, पूरा 10 लाख जीतले बड़ा। अरे यार लेकिन इनाम के रुपया ले तो हम भुला गए नहीं। इतना गलत बात बनी रहू भैया, जा के पैसा लेके आवा। अरे ओकनी के देवे के नियत रहल हो तो खुदे दे देल रहता सर। छोड़ा जाए दा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे बा? तोहरा ना चाहिए तो हमारे यूनियन के दान कर दा भैया, गरीब रिक्शा वाला के काम आ जाई। सही बात बा बेटा निरहू, जवानी में हमन के जांगर चलेला, लेकिन बुढ़ापा हमनी के भूख और बीमारी में कटेला। तू 10 लाख रुपया लेके आईबा तो हमारा जैसा बूढ़ और बीमार रिक्शा वालन के काम में आई बेटा। सही कहता रे चाचा, हम वो मंत्रिया से इनाम के पूरा 10 लाख रुपया लेके आई, एक को अधेला ना छोड़ा। ए, कहाँ जाता है? चला बाहर। चला अटल लोग मंत्री जी से मिले के बा। आज मंत्री जी की बेटी के बर्थडे पार्टी हवे, कल मिल लिया। ना, हम तो अभी मिलब। अरे पिया पिया शरबत पिया। ए, अरे रुक, देखो इसे अंदर आ गिलू रे, चल हट बाहर। लखन, भैया, यू है रिक्शा वाला हा? है रिक्शा वाला, बोल। काहे आयल बड़े? इनाम के पैसा लेवे। इनाम? कौन इनाम रे? वो है जो दंगल में तोरा बेटा के धूल चटैले रहनी, वो है इनाम। अभी हमारा पास टाइम नहीं है, बाद में टाइम लेके आई है। तोरा पास टाइम नहीं है तो हमरो लगे इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम रोज रोज यहाँ आई। तो तू कौन लाट साहब बड़े रे? तू कौड़ी के रिक्शा वाला? चबा गया से। ए, हम तो हर बानर घुड़की से डराए वाला नहीं थी। हमारा औकात तो 2 कौड़ी के बा, लेकिन जैसे पैसा देवे में तोहनी के फाटा था, हमरा तो लगा था कि तोहनी के औकात 2 कौड़ी के भी नहीं के। ए रिक्शा वाला, चिल्ला मत, चुपचाप हमारे पैसा दे लोग, हम चल जाए यहां से। ए रिक्शा वाला, बड़ा गर्मा ताड़े रे, का करबे इतना पैसा के? हवाई जहाज खरीदबे? पर 10 लाख के तो हवाई जहाज ना आए। अच्छा, हवाई जहाज खरीदे के बाद तो तू एगो काम कर, हमारा बेटा नरेश के हाथे झापड़ खा झापड़, एक झापड़ के 1 लाख, जितना झापड़ तू खाइबे उतना लाख हम दे। देखा मंत्री जी, हम यहां तुम्हारी सब नाटक देखे नहीं आये, इज्जत से मांगता नहीं, 10 लाख दे दा, ना तो एक दिन तुम्हारा बेटी के साथ है साथ फेरा लेके पैसा दहेज में ले जाए। बदतमीज कहीं के। थप्पड़ के जवाब तुहरा के ऐसन दे कि ओकर गूंज तुहरे दिमाग में 24 घंटा गुजत रही। संगे संगे रहे जैसे चांद या सितारा, नदिया के साथ नाही छोड़े ला किनारा, हर दम रहिया तू हमार बन के।
ना ही रबोतिया हमरा के चाही बस तोहरी सुरतिया। तोहरा से एहो रानी मिले नाही पैती सगरी उमिरिया तोहरा याद में बितैती। वाला के थाना ले जाके इतना मार की एकर हड्डी के साथ साथ ही घर की तरफ देखे के एकर हौसला भी टूट जाए। ले जाओ एक राखे। चल। ए, तोर इतना हिम्मत कि ये लोगन के सामने हमरा इज्जत के तमाशा बना दी लू तू। वो हमार बचपन के प्यार है वे पापा। इतना दिन बाद मिलल कि हमके कुछ होश ना रहल। तू घटिया आदमी से तोहार रिश्ता ना हो सकेला। भूल जाओ ओकरा के। हम ओके कैसे भूला जाए चाचा जी, जे के देख के हम ही सारा दुनिया भूला गई नी। राधा चुप हो जा। हे गजेंद्र, एकरा के हमरा सामने से ले जा। हाँ। ले जा हमरा सामने से, ना तो हम भूल जाए कि हमार बेटी है। चल 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 यहां से। का चुम्मा रहे तोहरा बहिन के चुम्मा मिलला के बाद तो तोहर मार भी उपहार लगा था। अरे सही कहता नी, तोहरा बहिन के जोड़ा पूरा यूपी बिहार में क्यों नहीं के। अरे तोहरा बहिन के वोट के अर्थिंग जब से सटल बा पूरा देह में गुदगुदी होता। रुका कैलाश, काहे मारता रहे करा के, का गुनाह भाई कर? साहब, ई रिक्शा वाला थानेदार साहब के बहिन के चुम्मा ले लेबा। अरे वाह कमाल बा। एगो रिक्शा वाला ऊ रहे जे कि विधायक के बहिन के चुम्मा ले ले रहे, आ दूसरा रिक्शा वाला ई बा जे थानेदारे के बहिन के चुम्मा ले लेलस। तुहार चेहरा कुछ पहचानल लगता, का नाम है तोरे बाप का? निरहुआ। निरहुआ? अच्छा, तो निरहुआ का बेटा बड़ा। समझ में आ गई हमरा के तोहार सारा कहानी है। आई चुम्मा लेवे के बीमारी तोहार खानदानी है। अरे सर ये झूठ बोलता ने, हम इनके बहन के चुम्मा नहीं खिले ले, इनकर बहनी है हमार चुम्मा ले ले भैया। तब तो मामला बड़ा पेचीदा बा कैलाश, तोहरा बहन से पूछताछ करे के पड़ी, उनका के थाना बुलावा। हमरा खानदान के औरत थाना में ना आवेली डीएसपी साहब।
अच्छा तुहरा घर के औरत थाने में ना आवेली, आ एगो रिक्शा वाला के चुम्मा ले ली। तुहार बहिन थाने में ना आ सकेली तब पुलिस तुहरा घरे जाई आ जाके उनका से पूछताछ करी। होश में रहा डीएसपी, पुलिस के ही मजाल कि हमरा घर में कदम रखे। देखा गजेंद्र बाबू, इंक्वायरी में अगर टांग रही बा तो मामला कोर्ट में जाई आ वहां सरकारी वकील तोहरा भतीजी से पूछी कहां चुम्मा लेलस, कैसे चुम्मा लेलस, कितना चुम्मा लेलस, इसे तोहरा खानदान का अकड़ ढीली हो जाई। डीएसपी साहब आयल बाड़े इंक्वायरी करेला, भाभी एकरा के अच्छा से समझा दा कि ओहनी के सामने अगर अपन जुबान खोललस तो हम एकर गर्दन काट दे। काहे कि एकरा जान से ज्यादा हमनी के अपन आन बान और शान के परवाह करीला, समझ लो। देखा राधा, ये लोग का कहना बा कि रिक्शा वाला तोहरा के चुमा ले ले बा, रिक्शा वाला कह रहा बा कि तू ही अगर चुमा ले ले बाड़ू, का हकीकत बा साफ साफ बताओ। तोहरा चुप रहला से एगो गरीब रिक्शा वाला फंस जाई, ये लोग एक जेल में डाल के सड़ा दे, साफ साफ बताओ। तू इतना बेशरम होखबू, हम सोच भी न सकत रानी। माफ करी चाचा जी, रउआ कहले रानी कि हम कुछ बोलब तो हमार गर्दन काट लेब, एही से हम कुछ बोलनी ना हा। चल भैया, जा बाबू रिक्शा वाला, जा तू निर्दोष बड़ा। जी शुक्रिया साहब। अब तो तोर जान जाई रे रिक्शा वाला, लागत है मंत्री जी तू कबो मोहब्बत नहीं खकेले, ना तो तोरा के चुम्मा की कीमत मालूम रही। अपना महबूबा के एक दिन में दो दो बार चुम्मा मिल गए, अरे अब तो जानो जाई तो कोनो चिंता नहीं के। हम तो जात बनी, लेकिन एगो बात हमार कान खोल के सुन लिया, ये रिक्शा वाला के गरीब जान के करा तरफ आंख उठा के भी देखला तो हमसे बुरा कोई ना हुई। बुरा वक्त अब तुहार आ गई डीएसपी, जाके अपन कफन के नाप ले ले, कहे कि अब तुर वर्दी उतरे के टाइम आ गई बा। 30 साल के नौकरी में तू पहला नेता नहीं खा जे हमरा के धमकी देत बड़ा, अहम वह है गोली पहले मारीला रिपोर्ट बाद में लिखेला। तुहरा मतिन कितना लोग आई, केहू से कुछ ना उखड़ल आ तोहू के जौन उखाड़े के हुई उखाड़ लिया। भैया तनी तू याद करा, आज से 14 साल पहले जौना रिक्शा वाला के हमनी मरले रहनी जा, रिक्शा वाला वही के बेटा लगाता। तबे तो हमू सोचत रहनी कि रिक्शा वाला और ऊ बुढ़िया के हम कहां देखले रहनी, यूहे सपोला है जे की सला जिंदा बच गेल रहे। तू फिकर मत करा पापा, ये सपोला के फंता हम कुचल देब। ना बेटा ना, एकरा से पहले ऊ डीएसपी के कुछ व्यवस्था करे के पड़ी। गजेंद्र। हाँ भैया। होम मिनिस्टर के फोन लगा। लगावा तनी। हेलो गजेंद्र बाबू, का हाल हो? भैया सर से बात कल चाहता रहे। पार्टी चल रहा बा, इहवा आई बात हो जाई। चाहे जो भी हो ऊ डीएसपी के रास्ता से हटावे के बा। का मंत्री जी सब ठीक ठाक बा ना? का ठीक बा यार, सुने में आईल हा के वो रिक्शा वाला मंत्री जी का नींद हराम कर देले बा। रुका रुका वीरेंद्र बाबू, एगो रिक्शा वाला तोरा बेटी के चुम्मा लिहलस, ये सही बात बा का? नहीं यार, रिक्शा वाला ना एकर बेटी रिक्शा वाला के चुम्मा ले ले ले। नौ कटा देलस। जरा सुनी। अरे आओ वीरेंद्र भाई, आवा बैठा बैठा आवा। का बात बा? अरे वैसे कुछ बहुत जरूरी बात करे के बा। अच्छा, तनी बगल में आई। का बात बोला? ऊ चुम्मा वाला लफड़ावा का? तू एगो रिक्शा वाला के नहीं निपटा सकेला? नहीं मंत्री जी, ऊ रिक्शा वाला के तो हम संभाल लेती, मगर बीच में ऊ सरवा डीएसपी आ गेल, ओकर वर्दी उतारे के कौनो इंतजाम करी। ई कौन बड़ बात है,
नाम बोला डीएसपी के। विजय लाल यादव। अरे यार तू केकरा से पंगा ले लेला? ओकर हम का मुख्यमंत्री भी कुछ ना बिगाड़ सकेलन। काहे? अरे यार उ जो डीएसपी बना उ मुख्यमंत्री के साला हवे, ओकरा सामने तो मुख्यमंत्री के भी ना चलेला। क्या परेशानी है? बहुत बड़ परेशानी बा डॉक्टर साहब, इनकर परेशानी की वजह से हमनी दोनों की शादी नहीं होत। अच्छा गुप्त रोग है? हाँ गुप्त रोग समझ ली। क्या लक्षण है? इनकरा के जैसे ही टच करी ले इनकट फड़ा हो जाला। हुँ? क्या मजाक कर रही हो? अरे मजाक ना कर रहता नहीं, अगर विश्वास नहीं किए हो तो अभी दिखा देता नहीं। यहाँ दिखाओगी? हाँ एजे दिखा देता नहीं। नहीं नहीं अंदर चल के दिखाओ। चलो काहे एजा दिखावे में का हर्ज बा? अरे इतने मरीज बैठे तुमको समझ नहीं आता, यहाँ दिखाओगी इनके सामने? इन लोग देख ली तो का हो जाए। अरे बड़ी बेशरम लड़की हो तुम, तुमको समझ में नहीं आती कोई बात? दिखाओ दिखाओ चलो। यह बीमारी बा डॉक्टर साहब, कोनो लड़की के छुएते इनका टिकी खड़ा हो जाला। अरे इस बीमारी का तो हम नाम ही नहीं सुने हैं, और इस बीमारी का इलाज हम तो क्या बाबा रामदेव भी नहीं कर सकते। मेरे को माफ करो, तुम लोग जाओ यहाँ से, इसका इलाज नहीं हो सकता। गजब चस्का ओ गजब चस्का तू हमके लगा दी हलू, जब से उठवा के अर्थिंग छुआ दी हलू, जब से उठवा के अर्थिंग छुआ दी हलू। गजब चस्का तू हमके लगा दी हलू, गजब चस्का तू हमके लगा दी हलू, जब से उठवा के अर्थिंग छुआ दी हलू, जब से उठवा के अर्थिंग छुआ दी हलू। सजनिया तो के कोरा आवले लिए सजनिया तो के कोरा आवा
बाटे हाई वोल्टेज के तोहरी जवानी, पावर हाउस पूरा तू भइल बाड़ू रानी। सुना ए बाटे हाई वोल्टेज के तोहरी जवानी, पावर हाउस पूरा तू भइल बाड़ू रानी, भइल बाड़ू रानी। अरे राधा से मिले के बगेट खोला ना। अरे ये गर्ल्स हॉस्टल हाओ, चल भाग यहाँ से। अरे उनके बुलावा वो हमके पहचाने ली। अरे तोहरा जैसन बहुत देखले बानी, चल भाग यहाँ से। हमके काहे मारत तारू? तू हमरा के पत्थर काहे मरला? हम ना ई मरला सा। अरे तू? हाँ हम। तू यहाँ का आयल बड़ा? राधा से मिले के बाद कुछ जोगाड़ लगावा ना। राधा अब तोरा से ना मिल सकेली। कहे? उनकर पढ़ाई लिखाई छोड़ा दियल गेल बा, ऊ घर में कैद बड़ी। अरे तो उनकर नंबर होई ना? हाँ बाना। ए! हाँ? क्या हो रहा है वहाँ? ओ एक्चुअली मैं, चलो अपने रूम में। जी मैम। पिक्चर बढ़िया रहा, बहुत ज्यादा मजा आई। हेलो। हाँ राधा, हम बोला था निरहुआ। हाँ कंचन बोला। कंचन? अरे कंचन ना, निरहुआ बोला था नी। अरे हाँ हाँ हम जानता नी, जानता नी। हमार पापा हमार पढ़ाई छुड़ा दिए ले, बहुत जालिम बाटे हमार पापा। अरे अब का बताई, हमरा माई के भी हम पे तरस नहीं खियावत, दिन भर हमरा पे नजर रखत आ रही। हे भगवान, केहू के भी ऐसन माई मत दी हो। अब हमार दुगो भाई बाड़े, छोटका भैया पहलवान बाड़े, उनकर देहिया जैसन उनकर बुद्धियो भी मोट बा, जान करेले उल्टे करेले। हमके तो लागेला कि उनकर दिमाग सिर में ना घुटना में बा। और बड़का भैया वो पुलिस में बाड़े, कुत्तन के साथ रह रह के कुत्ता जैसे एने ओने सोंगत रहेले, हमरे हर बात पे शक करेले। तो के हमार नंबर के देहलस? अरे तोरा एगो सहेली से मिल गई। आदित्य तू हमरा से कितना प्यार करेला? बस एकरे से अंदाजा लगा ला, बचपन से लेके आज तक बस तोहरे इंतजार करत रही। तो हम ही कहां भुला गई नी तोहरा के, बचपन से तहार मूरत अपना मन मंदिर में बैठवले बानी। राधा लगता हमनी की मोहब्बत बड़ी इम्तिहान ली। हम हर इम्तिहान दे आदित्य, तोहरा खातिर हम पूरा दुनिया से टकरा जाएब।
आई लव यू। रतिया भर उल्लू नियर जागता, दिनवा भर कुकुर नियर भोकता, ई पगल आ गइल बा का? आदित्य राधा, आदित्य राधा, आदित्य फोन से दिल नहीं के भरत, मन तो कर रहा था कि उड़ के तोहरा सामने आ जाई। ना 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 ना, मत ये हमरा सामने अभी, अगर ये घड़ी तू सामने आ गेलू ना तो हम ऐसन कह देब, ऐसन कह देब का कह देब तो के अपने बाह में भर के इतना कस के चुम्मा लेब ना कि तुहार मुंह लाल हो जाई। हेलो है राधा, कहा बैलो? अच्छा, चुम्मा के नाम सुन के तुहार आवाज भारी हो गई, मूड बन गेल का? हमार मूड तो ऐसन बन गेल बा कि ते जहां मिलबे उहे काट दे। अरे लगता ससुर बने। ससुर जी का बात बा, आजकल नेतागिरी छोड़ के बेटी के पहरेदारी करे लगनी का? तो जाना तानी केतनो पहरेदारी कर ली, हमनी के मिलन तो हो के रही। ई जन्म में मिलन तो दूर, तू राधा के परछाई भी ना देख सकेले। ठीक बा, आजे हम तारा घरे आके तारा बेटी के अंगूठी पहना के छकैया कर देता नी। तेरी तो, अरे तेरी तो ना, दमाद कह, दमाद। हेलो हेलो हेलो, का भइल पापा? ओ रिक्शा वाला हमरा के चैलेंज कइले बा कि घरे में आके राधा के अंगूठी पहनाई। तू चिंता मत करा पापा, घर में पहरा बा, ऊ कहां से आ जाई? वो रिक्शा वाला के कोनो भरोसा नहीं खे, घर पे और पुलिस बुलवा ला। जी चाचा जी। खोला। चाचा अब देखा था नहीं कैसे आवेला, सार बड़ा हवा में उड़ा रहे। अरे तू ऐसे आई बा, हम सोच रहे ना रानी। लागत है केहू आवता। अरे सुनी मैं जल्दी का भइल राधा बिटिया, काहे चिल्लाता रहू? ओ पापा, हम भूत के कहानी पढ़त रानी, यही से डरा गई। हम तो सोच रही कि का सोचनी है पापा। हां हां, अरे सर मुतास लागत बा, दो धले रो गया खींच रो जाता रे। तू पढ़ा पढ़ा, अब कुछ ना कुछ तू पढ़ा पढ़ा। के रहा ल पापा? तू दोनों जनी ऊपर जा। जी जी।
अब बाटे ससुर जी के घर हो। नंबर से हेलो। अपना बेटी की अंगुली देखी, मंगनी की अंगूठी तो पहना देनी, अब ब्याह के तैयारी करी। हेलो है? हेलो हेलो है? हेलो का भाई पापा? रिक्शा वाला हमारे घर के नंबर से फोन कर हलवा, जाके देखो करके। राधा राधा। हाँ पापा। हे नहीं आओ, घर में केहू नहीं के पापा। तकाऊ सर्वभूत है, तू अपन सिक्योरिटी के बड़ा डिंग मारत रहले, तोरा पूरा सिक्योरिटी के पिछवाड़ा में मूत के चल गई रिक्शा वाला। ई रिक्शा वालन के हम ना छोड़ब, ताना ताना के मोहताज कर देबू सबके। नीरव भैया नीरव भैया, गजब हो गइल बा। का भइलो? मंत्री वीरेंद्र प्रताप रिक्शा वालन पर टैक्स लगा देले बा। का बात करता? ई देखा बेटा नीरहू, ई तो सरासर अन्याय बा, इतना पैसा हमनी के कहां से लाई बेटा? चिंता मत करे चाचा, पूरा शहर के रिक्शा वालन के बोल दा, मंत्री वीरेंद्र प्रताप के घर के घेराव होई। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मंत्री तेरी तना चाहिए, तेरी चना की नहीं चलेगी। मंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह का घर, और इधर देखिए शहर के तमाम रिक्शा वालों ने इनके घर का घेराव कर दिया है। इन रिक्शा वालों में जबरदस्त आक्रोश है, मंत्री जी ने इन रिक्शा वालों पर 10,000 का रोड टैक्स लगा दिया है। मंत्री जी के इस तानाशाही फरमान को लेकर आपका क्या कहना है? सरासर अत्याचार बा। अरे नया रिक्शा 10,000 का मिलेगा, हम किराया के रिक्शा चलावे नहीं, ससुर खरीदे का औकात नहीं थे, कहाँ से भरब 10,000। रिक्शा वालों के दिलों का दर्द सुनने के बाद भी मंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं आ रहे, बल्कि अपने घर में चूहे की तरह दुबक कर बैठे। अब देखना है कि यह निकम्मी सरकार रिक्शा वालों के हक में फैसला करती है या नहीं। लेकिन मंत्री जी, ये गरीब रिक्शा वाले रिक्शा चला के एक वक्त की रोटी नहीं कमा पाते, आपने इन पर टैक्स लगा दिया, कहाँ लग जाए? बिल्कुल जायज बा भाई, ये रिक्शा वाले सब झूठ बोलता रहे, ये एक दिन में 500 कमा ले। अरे सड़क पर चले वाला हर गाड़ी पर टैक्स लगेगा, ऊपर से उनके डीजल और पेट्रोल के खर्चा, एहनी के तो वो भी नहीं ना, फिर एहनी पर टैक्स काहे ना लगी? अब तू ही बोला। सुना है आप रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोटर गाड़ी चलावे में पेट्रोल डीजल जलेला, और रिक्शावा चलावे में हमनी के खून जलेला। कहा मंत्री जी से एक दिन अपना एयर कंडीशन रूम से बाहर निकल के धूप में रिक्शा चला के 500 रुपया कमा के दिखावे, हमने के मान लेवे के। मंत्री जी ये कह रहे हैं एक दिन के लिए आप रिक्शा चलाइए, क्या आप चलाएंगे? ऐसा घटिया बात तो ही घटिया लोग ही सोच सकते रहे, पूरा सड़क पर गंदगी मचा के रख ले बड़े लोग, आए दिन ट्रैफिक जाम। अरे ये लोगन के वजह से तो दूसरे लोगन के सड़क पर चले के जगह ना हो खेला, टिन 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 घंटी बजावत रिक्शा ऐसा दौड़ावेलन जैसे सड़क इनके बाप की होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हमने के बापे कहा ही सड़क किया, दिखाई का कहता कहे कि जब इनकर मोटर गाड़ी ना चलत रहे तब से रिक्शा चलेला, और बात रहल गंदगी के, तो गंदगी हमने के रिक्शा ना ए लोग के मोटर गाड़ी फैलावेला, ए लोग के मोटर गाड़ी से निकलल धुआं से पूरे दुनिया के हवा प्रदूषित हो गई, जोना से ओजोन परत में छेद हो गई। हमने के रिक्शा धुआं ना छोड़ेला, ऊ तो इको फ्रेंडली है।
अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अरे ई गंदा रिक्शा वाले हमरा सुंदर देश में टाट में पैबंद की तरह बटे, हम ई रिक्शा वालन के सड़क से हटा के ही दम ले। मंत्री जी का कहना है कि आप लोगों को सड़क से हटा के दम लेंगे, आपका क्या कहना है? अरे ई का इनकर बाप हमनी के ना हटा पाई। दुनिया से एक दिन डीजल पेट्रोल गैस सब खत्म हो जाएगी, तो इनसे पूछा तब ही का चलाई है बाबा जी के घंटा। अरे जब मोटर गाड़ी ना चली तो इनके आके हमने के रिक्शे में बैठे के बोला। अरे रुका रुका, हो देखा भौजी आ गई नहीं हो? किसकी भौजी? अरे और केकर भौजी, हमरा निरहु भैया के होखे वाली दुल्हन हमनी के भौजी। सारा लफड़ा तो उनके खातिर होता, हो देखा भौजी। ध्यान से देखिए, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मंत्री और रिक्शा वालों के बीच जंग छिड़ी हुई है। भैया एक बात सुन। आप बताइए। भैया हमने रिक्शा वाला को फैसला कर लिया है कि मंत्री जी खाली एक शर्त मान ले तो हमने टैक्स देने खातिर तैयार है। कौन सी शर्त? छोटा सा शर्त हो, अपन बेटी के बियाह हमरा निरहुआ भैया संग कर देवे, हमने टैक्स देवे खातिर तैयार है का भाई लोग? मंत्री जी ये क्या कह रहे हैं? आप एक रिक्शा वाले से अपनी बेटी की शादी करेंगे? शट अप। अभी अभी लाल बत्तियों का एक काफिला यहाँ आया है, देखते हैं कौन आया है। मामले ने बड़ा रोचक मोड़ ले लिया है, मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, देखना है आगे क्या होता है। 6 महीने बाद चुनाव बा, अब तो हरी तमाशा हमरा पे भारी पड़ जाई। मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? हमार सरकार गरीबन के सरकार है, आई रिक्शा वालन पे टैक्स लगावल सरासर गलत है। हम इस घोषणा के अभी इसी वक्त वापस लेता नहीं। अब ना कटवाई। तू ना कटवाई बा, तो हमनी के मिलन कैसे हुई? चल चुपचाप कटवा ल, चल चुप से बैठ। अब ते मुंह का देखा ताड़ा, चुपचाप काट दा। ता का काटी? बाल मूछ की दाढ़ी? अरे ना हो, इनकर एगो प्रॉब्लम बा का? इनका के छूते ही इनकर खड़ा हो जाला। ऐसे हम बहुत परेशान बानी, हम छुआ तानी जैसे ही खड़ा हुई तू काट दी। देखा हम हजाम है, वो सब काटल हमार काम नहीं खे। तू हमरा के सिखावा ताड़ा, वो काटल तोहरे काम बा, चल काटा। नहीं हम ना काटब। हम तो सुन ले रहनी कि तू खानदानी हजाम बाड़ा, तू तो बड़का झंडू बाम बाड़ा। का कहलू? हम झंडू बाम बाड़ी? तो देखा हम कैसे काटा तानी, बस एक बार खड़ा कर, खड़ा कर। तू उस तरह रेडी कर। तू उधर का खोजे ताड़े, इधर देख। रुका, अगर तू टिक्की ना कटवाई बा तो हमार तोहर मिलन ना होई। ना होई तो मत होखे, लेकिन हम अपन टिक्की ना कटवाई, हम तोहरा से प्यार करीला और अपना टिक्की से भी प्यार करीला। ई हमार टिक्की आन बा शान बा पहचान बा, और ई हमार पहचान हम केहू खातिर कुर्बान ना करब। वाह बेटा वाह वाह, तोहरा ऐसा खुददार लड़का हम आज तक ना देखनी। तोहरा के दामाद के रूप में अपना के हमार छाती गर्व से चौड़ा हो जाए। हम अपना बेटी के शादी तोहरा साथे करे खातिर तैयार बानी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, वर के हाथ में कन्या हाथ रखिए। टिकदारी भैया जाके झंडा गाँव ना हो। ए टिकेदारी भाई, तोह टिकिया देख के तोहरा से ब्याह कैलस, जा टिकिया के कमाल देखा द। भैया तनी हने आवा 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 था आवा। भैया ई सुहागरात कैसे मनावल जाला? हे बेवकूफ,
घबरात काहे बाड़े? अरे रिक्शा चलावाला सुहाग रात मनावल, दोनों एक जैसन होला। अच्छा हाँ। अरे पहले रिक्शा तैयार कर, ओकरा बाद दौड़ा के चढ़ जो। हाँ। ओकरा बाद पैडिल मारत रह 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 तब तक मारत रह जब तक मंजिल ना आ जाए। भैया ये रिक्शा हमसे ना चली। भैया भैया एक दिन अपन सवारी हमरे रिक्शा में चढ़ावले रहला, आज हमारी सवारी अपना रिक्शा में चढ़ा ल। भैया बिल्कुल कहीं का बैल छो ना तो सवारी भाग जाए। का करता रहा? करता नहीं ना, सोचता नहीं। का सोचता नहीं? सोच रहल बानी कि ये कमरा में रिक्शा कैसे ले आए। रिक्शा? रिक्शा ही कमरा में लाके का करबा? सुहागरात मनाई? सुहागरात रिक्शा पे मनाई बा? बिल्कुल मनाई। तोहरा के रिक्शा में बैठाई और दे दरादर पैडल मारा पैडल मारा पैडल मारा पैडल मारा और कुछ ना करबा? और का करब? अब इहो बतावे की पड़ी। लेंग जी चाय। राधा के बारे में कुछ सोचता नहीं? का सोची? ओकरा शादी के बारे में। कहीं से कोनो रिश्ता ही तबे ना शादी हुई भाभी, जेकरा से रिश्ता मांगा उहे मना कर देता। चाचा जी वो निरहुआ रिक्शा वाला के चक्कर में इतना बदनामी हो गई बा कि कोनो शरीफ लड़का ओकरा से शादी ना करी। एक शरीफ लड़का बा जे राधा से शादी करे खातिर तैयार बा, लड़का लंदन के बा, ओकर बाप वहां के उद्योगपति बा, बाप बेटा रविवार के आवतारे, अगर राधा उनके पसंद आ जाई है तो शादी उहे दिन कर दिल जाई। पापा जी यहाँ के लफड़ा ओहनी के पता बा? ओहनी के कुछ पता नहीं खे, असुना कुछ पता चले के भी ना चाहिए, शादी का के तुरंत राधा के लंदन भेज दे। ई तो धोखा बा, कभी न कभी तो लड़का वालन के पता चली ना तो राधा की जिंदगी खराब हो जाई। का खराब हो? और अगर अभी शादी ना भइल तो हमनी के जिंदगी खराब हो जाई। लड़का का नाम का है? जय किशन, सब जैकी कह के बुलावेलन। जैकी बेटा, जैकी। यस डैड, यस जैकी, तुम पहली बार इंडिया आए हो। यस डैड। कैसा लग रहा है इंडिया? ग्रेट डैड, इंडिया इज ग्रेट, इंडियन पीपल आर ग्रेट। ए स्टॉप 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 नाउ स्टॉप पीछे लो या स्टॉप स्टॉप। हे डैड व्हाट इज दिस? ये रिक्शा है। रिक्शा? फर्स्ट टाइम मैंने रिक्शा देखा। वन मिनट डैड, वन मिनट। Are you the driver? हाँ, कहाँ जाएगा बा? One minute, Dad, you just go. I'll come by this rickshaw. Are you crazy? Come here. Dad, मैं कभी रिक्शा में बैठा नहीं. Please, you go. अरे तुम कभी नहीं सुधरोगे. चलो ड्राइवर. Please, go. Thanks, Dad. Yes. Wow. Lovely. How do you drive this? कर? कैसे चलाते हैं? बहुत आराम से चलाते हैं। Yeah. पैडल मारते हैं। Okay. चलते हैं। You will like cycle, cycle, cycle. इसको yeah. चलाने से जांघ मजबूत होता है। Thigh. टांग मजबूत होता है। Legs. हाथ मजबूत होता है। Hands. Can I drive this? चलाओ चाहता रहा? Yes, yes. कैसे मैं इसको चला सकता है? चला सकता रहा लेकिन कहीं लड़ाउला तो लतियाई बो करो। Thank you. चलाओ। Thank you. Yes. How do you start? Start. का? Start. Start. चांप के जोर लगावा स्टार्ट हो जाए। Okay. Very nice. Very nice. ए भाई तुम कहाँ से आया है? लंदन से। लंदन से? Yes. तो लंदन से यहाँ का उखाड़ने आया है? Sorry. मतलब का करने आया है? लड़की देखने आया इंडिया। लड़की देखने? Yes. वहाँ लड़की नहीं दिखता है? दिखता है बट वहाँ की लड़की सब कैरेक्टर लेस होता है, यू नो, शादी के पहले सब कुछ कर डालता है। बट इंडियन लड़की वेरी सिंपल, वर्जिन होता है। वर्जिन? हाँ, वर्जिन। वर्जिन मींस कुंवारी, यू नो। इंडियन लड़की कुंवारी में कुछ नहीं करता, शादी से पहले हस्बैंड को चुम्मा तक नहीं देता। आई वॉन्ट टू मैरी सच अ गर्ल, यू नो। अरे ऐसा लड़की यहाँ कहाँ खोजने जा रहा है? ठाकुर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह का घर, यू नो। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के घर? ये उनके यहाँ कौन लड़की है? Ada, I mean Radha, Radha. Huh? See, I am Jackie, Jackie Shan. Call Kanda. And she is Radha.
I'm Kanda coming for Radha. अरे बढ़िया से लगावा लोग, ठीक है। जी भैया। हमार बात ध्यान से सुना। जी। बिना इनविटेशन के केहू भीतर ना आवे पावे, आ केहू रिक्शा वाला घुसे के कोशिश करे तो ओकरा देखते ही जम के कुटाई कर दिया लो। ठीक बा भैया, ठीक बा, देखा। ओ माय राधा, I'm coming. Hello. Hey, hey, रुको, 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 रुको. What are you doing? Oh, what is it? Oh, oh God. Oh no. Oh my God. Why are you beating me? Oh no. Oh my God. I'm shit. Oh my God. Oh my God. अरे ई कवन भिखारी है? I'm not bhikhari. Daddy, I'm your son, Jackie. ये तो मेरा बेटा जैकी है। वीरेंद्र जी, आपके यहाँ मेहमानों का स्वागत ऐसे होता है क्या? करे इनकरा के काहे मरले हा? लाखन भैया तो कहला रहलन, कोनो रिक्शा वाला दिखे तो धुन दिया। ई रिक्शा लेके आयल हमने, एकरा के धुन दे नी जा। हैं, यहाँ कोई रिक्शा से आवेला? अरे ई मंत्री जी के घर है, कोनो एरे गरे के ना। अब यहाँ इनकरा रिक्शा से आवे के का जरूरत रहे? एक मिनट, कुछ ना बेटा, कुछ ना। कोनो बात देखे बेटा, जाई जल्दी से नहा धो के तैयार होके आई। तहरा खातिर कव्वाली के इंतजाम कई ले बनी, तबियत एकदम खुश हो जाए। ओके ओके, जा बेटा जा। इडियट्स, जा जा बेटा जा। इडियट्स, ए इनकरा के लेके जा। वाओ डैडी, मैंने आपको कहा था इंडियन गर्ल्स आर ग्रेट, शादी से पहले मुंह तक नहीं दिखाती है। मैम प्लीज हैव सीट, प्लीज। का बात है गजेंद्र, अब वही ले कवाली गवाई वाला ना आईले? अब तक तो आ जाए के चाहिए, न जाने कहाँ मर गई ले। अरे कहाँ रहा है सर, जल्दी शुरू करा। हाँ। चढ़ जाला करे परवाह, दीवाना ना आगे बढ़ जाला। चाहे आधी या तूफान आवे, फिर भी आशिक कदम ना हटावे, हटावे। अपने आए, 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 अपने महबूब
महबूब के हर कदम पर, ओ अपने महबूब के हर कदम पर, ओ लुटा दे ला दिल के खजाना, सागनिसा पानिसा पा 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 पमगप सागप पा 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 शादी से पहले निहल जाला दनादन चुम्मा, जहाँ में सबसे जोरदार इंडियन चुम्मा, ओढ़नी तान के समान लेवेली चुम्मा, रोहरी खेत खरिहान देवेली चुम्मा, लाइक चुप चुप के अकेला में देवेली चुम्मा, हमर जान सरयाम दे देली चुम्मा, देखावेला ऐसन होई चुमा, दूर से का इशारा करेलू, दूर से का इशारा करेलू, आपन जलवा देखावा जाने जाना हो जाना, आपन जलवा देखावा जाने जाना हो जाना, अब रूठे ता रूठे जमाना, उनका खातिर तो हम केहू के जान ले सकेले, बस पता चल जाए कि उनकर कातिल के बा। को नोटंकी कहला था लाखन चाचा तोरा दादी के गोली मारे में देरी ना करी है। कारे अब अहिले ने अपने औकात पर, अबे पैर के जूती पैर में रहे तो ठीक लागेला, ई रिक्शा वाला हमरा मुड़ी पे चढ़ के मुतत रहे। झोपड़ी में रहे वाला तू भिखारी, महल में रहे के ख्वाब देखा तारे, हमरा बहन से ब्याह करबे, आज तक हमरे खानदान पर केहू के उंगली उठावे के हिम्मत ना रहे, लेकिन आज पूरा खानदान पर हंसी उड़ रहल बा सिर्फ तोरा वजह से।
मारे का धमकी देके हमरा निहत्था पोता के मारत रसन। अरे तोनी के मर्दानगी पे थू। आज से 12 साल पहले भी तोनी के ये ना मर्दानगी देखवले रला सन। हमरा निहत्था बेटा के तलवार से मार गला तोनी के। तू जानल चाहत रले ना कि तेरे बाप का कातिल के बा। ध्यान से देख दोनों कमीनन के, ये मंत्री और अकरा भाई के, ये ना मरद लोग तेरा बाप के अमर ले रहा आदित्य। अरे विधायक, तू जेल से छूट गईला? अच्छा भाई, भगिना और मामा के चिता एक साथ जली। अरे तू हमनी के चिता का जले बेरे दलाल? बेस्या खाना में बेसियन के तलवा के तेल से मालिश करे वाला दलाल कहीं का? तू हमरा इसे मरे से कल मेरे। अब तू तो कहीं रे, रे। मामा के से बड़ सौभाग्य का होए कि अपने भगिना के जान बचावे के काम आएल। अब दुनिया ही ना कही कि मामा खाली कंस रहेल। रुक जा आदित्य, कानून के हाथ में लोगों को किस्मत करिया। कानून चाहे रिक्शा वाला होखे, चाहे मंत्री होखे, सबका खातिर बराबर होखेला। तू लोग का देखा तला गिरफ्तार कराएगी? एडीएसपी बिना वारंट के एगो मंत्री के गिरफ्तार करबे? खाली गिरफ्तार ना, तोरा के फांसी पर चढ़ावे कभी इंतजाम हो गई ले चला के रख। Oh.
वायरलेस पे को इन्फॉर्मेशन आयल बा कि बनारस शहर में कुछ आतंकवादी घुसल चाहत आरन। अच्छा, का लोकेशन बा? नौगढ़ के जंगल सर। नौगढ़ के जंगल? जी हाँ। फोर्स तैयार करा सर। वीरेंद्र प्रताप, ये खेल तोरा के बहुत महंगा पड़ी। हमरा के लॉकअप में डाल के तू अपना के तीस मार खा समझत रहले। मुख्यमंत्री के साला हवे तक का हमरा मूडी पर नचबे। अब तो तोरा समझ में आ गई होई कि तोरा पुलिस स्टेशन में केकर हुकूमत चलेला। देखा तानी कि वो रिक्शा वाला के अब के बचावेला। तेरी तो अब देखा कैसे पिंजरा में चूहा नियर मुंह लटका के बैठल है सरवा। हमरा इज्जत के धज्जिया उड़ा देहल सार। आज एकरा के दिखावा तानी कि वीरेंद्र प्रताप के इज्जत से खेले के अंजाम का होला। ए, उठा एकरा दादी के। जी भैया। ए गजेंद्र। हाँ भैया। ई बुढ़िया अपन जवानी में कैसन लागत रहल होई। ए भैया, खंडहर बता रहल बा कि इमारत बहुत बुलंद रहल होई। ए लखनवा। हाँ भैया। जब हम दलाल रहनी तत्ते का करत रहले रे। हम बूढ़ वेशियन के मेकअप करके जवान बनावत रहनी है भैया। ई हमारा बेटी के भगा के ले गए रहे। ओकरा दादी के ऐसन जवान बनाओ लाखन कि कौनो भगा के ना उठा के ले जाए। ए पीए साहब, तनी मेकअप के सामान लेवा हो? ई ले ही सर। ए लखनवा। जी भैया। दिखा दे अपन हुनर रे। जवानी के दिन याद दिला देली भैया। अरे चुप। Oh!
सुखल सुखल होठ है रे, चुम्मा लेबे में मजा ना आई। अरे तो अभी होठ लाली लगा देत बानी। पिए साहब लावा हो इला भैया। तोरा के बड़ा मजा आवत रहे ना हमरा बेटी के चुम्मा लेवे में, अब तारा के केहू और चुमी तो हमरा के बड़ा मजा आई। ए भैया हम चुम ली का चुम्मा चुम्मा ले ले चुम्मा चुम्मा ले ले चुम्मा। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आदित्य कुमार ने सारे कत्ल अपनी आत्मरक्षा में किए हैं, लिहाजा ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। हम नहीं की चाहत कि हमनी के बीच नफरत और इंतकाम के कहानियां आगे बढ़े। हम चाहतानी दुगो प्यार करे वालन के मिला दी हल जाए। हम अपना बेटी खातिर राउर बेटा के हाथ मांगतानी। राधा हमरा के माफ कर दिया।
खुद के हो राजा हो वे दिल के अमीर हो अपना पसीना से लिखे तकदीर हो रोड के हो राजा हो वे दिल के अमीर हो अपना पसीना से लिखे तकदीर हो केहू के आगे न हाथ फैलावेला मेहनत के रोटी ही खाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला भैया।